वेलकम फ्रेंड्स, अष्टावक्र गीता ज्ञान योग की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इसकी प्रशंसा श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री रमण महर्षि ने भी की है। यह आत्मज्ञान की प्राप्ति के संबंध में राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र जी के संवाद का संकलन है। यदि आप एक गंभीर साधक हैं और आत्मबोध को उपलब्ध होना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनिए। हर बार सुनने पर आप में आत्म का बोध पहले से ज़्यादा गहरा होता जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद मिलेगी। पहला प्रकरण। राजा जनक अष्टावक्र जी से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है? कृपा करके मुझे बताएं। अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश ही हो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो तुम स्वयं को इन सब का साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा समझो। यदि तुम स्वयं को इस शरीर से अलग करके अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में विश्राम करो तो तत्काल ही सुख, शांति एवं बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचर्य आदि किसी आश्रम के हो, न तुम आँखों से दिखाई पड़ने वाले हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, ऐसा जानकर तुम सुखी हो जाओ। धर्म, अधर्म, सुख, दुख मन से जुड़े हैं, तुमसे नहीं। अर्थात इनका अनुभव तुम नहीं, मन करता है। न तुम करने वाले हो, न भोगने वाले, तुम सदा मुक्त ही हो। सबका दृष्टा एक ही है एवं सदा मुक्त है। तुम्हारे बंधन का केवल यही कारण है कि तुम वह दृष्टा होते हुए भी अपने से अलग किसी और को दृष्टा समझते हो। मैं करता हूं, इस मिथ्याभिमान रूपी महासर्प ने तुम्हें डस लिया है। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं एकमात्र और सभी प्रकार के विकारों से परे विशुद्ध ज्ञान रूप हूं। इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित और सुखी हो जाओ। जिसमें यह विश्व रस्सी में सर्प की तरह कल्पित होकर दिख रहा है वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः तुम सुखी हो जाओ। मुक्ताभिमानी मुक्त है और बंधा हूं ऐसा अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति, वह अक्षरशः सत्य है। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, अद्वितीय, मुक्त, चेतन, अक्री, असंग, इच्छा रहित एवं शांत है। ब्रह्मवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। यदि यह संसारवान दिखाई दे रहा है, अर्थात जैसा है उसके विपरीत भास रहा है, तो उसका कारण भ्रम है। प्रतीत रूप में आत्मा के भ्रम को और इस भ्रम को छोड़कर कि मैं बाहर हूँ या भीतर हूँ, स्वयं को कूटस्थ, ज्ञान स्वरूप एवं अद्वैत रूप विचार करो। हे वत्स, मैं देह हूँ इस अभिमान रूपी बंधन से तुम चिरकाल और जन्म जन्मांतर से बंधे हो। मैं देह नहीं
ज्ञान रूप हूँ। इस ज्ञान के अनुभव रूपी तलवार से उस बंधन को काटकर सुखी हो जाओ। आत्मा रूप तुम असंग अक्री स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हो। ऐसा होने का जो तुम प्रयत्न कर रहे हो वही तुम्हारा बंधन है। यह समस्त विश्व तुम्ही में व्याप्त है और तुमसे ओतप्रोत है। तुम शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। निरपेक्ष निर्विकार सभी जिस पर निर्भर हैं, शांति का स्थान है जो अत्यंत विस्तृत बोध ज्ञान रूप है, जिससे किसी प्रकार का क्षोभ बेचैनी पैदा नहीं होती। ऐसा चैतन्य रूप है तेरा, इसलिए तुम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओ। जिसका आकार है उसे झूठा समझो, और जिसका कोई आकार नहीं है निराकार है उसे ही शाश्वत जानो। इस तत्व को समझकर उसका अनुभव कर लेने के बाद इस दुनिया में पुनर्प्रवेश तथा पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब आता है, लेकिन उस प्रतिबिंब के बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, उसी प्रकार सभी शरीरियों के बाहर और भीतर एक ही परमात्मा विद्यमान है। जिस प्रकार सर्वव्यापक आकाश ही घट के भीतर भी व्याप्त होता है और उसके बाहर भी, उसी प्रकार ब्रह्म भी इस चराचर जगत के भीतर और बाहर व्याप्त है, इस जगत में ओतप्रोत है। दूसरा प्रकरण। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है, मैं तो शुद्ध शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। जिस प्रकार मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए या तो संपूर्ण जगत मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है, अर्थात यह शरीर भी नहीं। आश्चर्य है कि शरीर के साथ समस्त दृश्य जगत का परित्याग करने के परिणाम स्वरूप थोड़ी सी कुशलता से युक्ति को प्रयोग में लाकर इस समय मुझे परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। जिस प्रकार तरंगे फेन और बुलबुले जल से अलग नहीं हैं, उसी प्रकार यह समूचा दृश्यमान जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, अर्थात उसी में स्थित हैं और उसी में लय प्राप्त करने वाले हैं। जिस प्रकार वस्त्र धागे के ताने बाने का ही समग्र रूप होता है, उसी प्रकार विचार करने पर यह समस्त विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जिस प्रकार शक्कर गन्ने के रस से बनी है और उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और मुझसे ही व्याप्त है। आत्मज्ञान के अभाव में ही यह जगत सत्य प्रतीत होता है। आत्मज्ञान होने पर जगत का आभास मिट जाता है। यह उसी प्रकार है जैसे अज्ञानवश ही रस्सी में सर्प की प्रतीत होती है तथा जान लेने पर सर्प का आभास मिट जाता है। प्रकाश मेरा अपना रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है, वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि अज्ञानवश मुझ में यह जगत वैसे ही भास रहा है जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप और जल में सूर्य किरण प्रतीत होती हैं। मुझसे उत्पन्न हुआ यह समस्त संसार मुझ में वैसे ही लीन हो जाता है जैसे घड़ा मिट्टी में, लहरें जल में और समस्त आभूषण अपने नाम रूप सहित स्वर्ण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत का नाश हो जाने पर भी जिस मेरा मेरे स्वरूप का विनाश नहीं होता, आत्मा रूप स्थित रहता है, आश्चर्य स्वरूप उस मुझको मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ। उस आश्चर्य स्वरूप मुझको नमस्कार है
जो एक शरीरवान होकर भी न कहीं जाता है न कहीं आता है और समस्त शरीरों में व्याप्त होकर स्थित है। उस आश्चर्य स्वरूप मुझको नमस्कार है जिसके समान कुशल और कोई नहीं है, जो शरीर और सभी प्रकार के संसर्गों से अलग रहते हुए भी इस सृष्टि को अनंत काल से धारण किया हुआ हूँ। उस आश्चर्य स्वरूप मुझको नमस्कार है जिसका अपना कुछ भी नहीं है अथवा सब कुछ उसका है, जहाँ तक मन और वाणी जाती है, जिससे जाना जाता है, जो जाना जाता है और जो जानने वाला है, ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। अज्ञानवश ये तीनों जिस अधिष्ठान में प्रतीत होते हैं वह सभी प्रकार के दोषों से रहित निरंजन रूप मैं हूँ, वही मेरा यथार्थ स्वरूप है। सभी दुखों का मूल कारण द्वैत है। इस ज्ञान के अतिरिक्त इसकी और कोई औषधि नहीं है कि जो दिखाई दे रहा है वह सब मिथ्या है और शुद्ध एवं चैतन्य स्वरूप एक मैं ही हूँ। वास्तव में मैं बोध रूप ज्ञान रूप हूँ। अपने स्वरूप के अज्ञानवश ही मेरे द्वारा स्वयं में दूसरी उपाधियाँ एवं गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं हमेशा अपने निर्विकल्प स्वरूप में स्थित हूँ। आश्चर्य है कि मुझमें संपूर्ण विश्व की प्रतीत होने पर भी वह वस्तुतः मुझमें नहीं है, न तो कभी मुझे कोई बंधन हुआ और न तो मोक्ष। इस प्रकार की भ्रांति कि मैं बंधन में हूँ आश्रयहीन होकर स्वयं शांत हो गई। यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है, केवल शुद्ध चैतन्य आत्म का ही अस्तित्व है। फिर अब यह प्रतीत किसमें संभव है, अर्थात किसी में नहीं। शरीर, स्वर्ग नरक, बंधन मोक्ष, भय, यह सब प्रतीत मात्र हैं। फिर मुझ चैतन्य स्वरूप के लिए क्या कर्तव्य शेष है, अर्थात कुछ भी नहीं। आश्चर्य है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता, सब निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूं, अर्थात किसी से नहीं। न मैं शरीर हूं, न यह शरीर मेरा है, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। जीने की वासना ने ही मुझे बंधन में डाला हुआ था, बस यही मेरा बंधन था। आश्चर्य है कि चैतन्य स्वरूप मुझ अनंत महासागर में अनेक नाम रूपों वाली चित्त रूपी हवा चलने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्त रूपी पवन के शांत हो जाने पर जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्यवश संसार रूपी जहाज नष्ट हो जाता है। आश्चर्य है कि मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें अपने आप स्वभावतः उठती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और मुझमें विलीन हो जाती हैं। तीसरा प्रकरण। उस धीर व्यक्ति की जिसने स्वयं को वास्तव में एक अविनाशी आत्मा जान लिया है, उसे धन अर्जन से प्रेम कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जैसे सीप को न जानने एवं उसको चांदी समझने के भ्रम से ही सीप को पाने का लोभ उत्पन्न होता है, उसी तरह स्वयं को न जानने एवं विषयों को सच समझने से ही उन्हें पाने का लोभ पैदा होता है। जिस प्रकार सागर से लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही मुझसे यह विश्व उत्पन्न होता है। यह जानकर उन लहरों को पाने और पकड़ने के लिए कोई क्यों दुर्बल और व्याकुल होकर भाग सकता है। परम शुद्ध आत्मा के परम सौंदर्य का वर्णन सुनने के बाद किसी मूढ़ अविवेकी व्यक्ति की ही अपने आसपास के विषयों में आसक्ति होती है। आश्चर्य है कि सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता की भावना कैसे बची रह जाती है।
आश्चर्य है कि परम अद्वैत में निष्ठा होने एवं आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी पुरुष पूर्वाभ्यास के कारण काम वासना के वश में होकर व्याकुल कैसे हो जाता है। आश्चर्य है कि ज्ञान के शत्रु कामनाओं से ग्रस्त होकर तुम कैसे कमजोर हो जाते हो और समय के क्रम में नष्ट हो जाने वाली कामनाओं की आकांक्षा करते हो। आश्चर्य है कि नित्य और अनित्य का विवेक रखने वाला लौकिक एवं परलौकिक भोगों से विरक्त पुरुष भी मोक्ष से कैसे डरता है। धीर पुरुष विषय भोग पाकर न तो खुश होता है और न ही विषय भोग न मिलने पर दुखी होता है। वह सदैव आत्म का दर्शन करता है। महापुरुष अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखता है। प्रशंसा या निंदा से उसे क्षोभ कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को नजदीक आती मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है, अर्थात नहीं कर सकते। समस्त इच्छाओं से रहित, यहां तक कि जिसमें मोक्ष की भी कामना नहीं है, स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न ऐसे महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं। जो स्थिर बुद्धि वाला यह सहज जानता है कि यह संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह भला यह क्यों देखेगा कि इस संसार में क्या ग्रहण योग्य है और क्या त्याज्य है, अर्थात कुछ भी नहीं। जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुख आदि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्धवश जो भोग आते हैं उससे उसे न सुख होता है न दुख। चौथा प्रकरण। यह संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी व्यक्ति भी लीलापूर्वक भोग के खेल खेले, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। इंद्र आदि देवता जिस पद की इच्छा रखते हैं उस पद पर स्थित होकर भी आत्मज्ञानी को किंचित मात्र भी हर्ष नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश धुएं से धूमिल दिखता है परंतु वास्तव में उसका धुएं से किसी प्रकार का संसर्ष नहीं होता, उसी प्रकार तत्वबोध को प्राप्त व्यक्ति का पुण्य पाप से बाहरी संबंध दिखने पर भी वास्तव में उसके अंतःकरण से उसका संयोग नहीं होता। जिस महापुरुष ने इस जगत को आत्म रूप में जान लिया है, यदि वह स्वेच्छा से वर्ताव करे तो उसे रोकने की सामर्थ्य किसमें है, अर्थात किसी में नहीं। ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत तक जो चार प्रकार के प्राणी हैं, उन सभी में एकमात्र तत्व ज्ञानी में ही यह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर सके। कोई कोई ही आत्मा और जगत के स्वामी ईश्वर को एक ही अर्थात अद्वैत रूप में जानता है। जो ऐसा जान जाता है उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं है। पांचवा प्रकरण। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम्हारा किसी से भी किसी प्रकार का संयोग नहीं है, तुम शुद्ध हो। फिर तुम क्या त्यागना चाहते हो? इस अवास्तविक सम्मिलन को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो, मुक्त हो जाओ। जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार तुमसे ये दृश्य पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम मुक्त हो जाओ। यद्यपि यह जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है, परंतु विशुद्ध तुम में इसका अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में। ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। तुम पूर्ण हो। तुम यह जानकर कि सुख दुख आशा निराशा और जीवन मृत्यु समान ही हैं, मुक्त हो जाओ। छठा प्रकरण। मैं आकाश की तरह सभी अंतों से परे हूं और यह जगत
घड़े की तरह प्रकृति से उत्पन्न है। इस तरह इस जगत का न तो त्याग है, न ग्रहण है, न तो लय है, यही सच्चे अर्थ में ज्ञान है। मैं महासागर के समान हूँ और यह दृश्यमान संसार लहरों के समान, यही सच्चे अर्थ में ज्ञान है। इस तरह इस संसार का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण और कैसा लय होना। यह विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीप में चांदी, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का न त्याग करना है न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं समस्त प्राणियों में हूँ जैसे सभी प्राणी मुझ में हैं, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का न त्याग करना है न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। सातवां प्रकरण। मुझ अनंत महासागर में मन रूपी वायु से प्रेरित होकर जगत रूपी जहाज इधर उधर घूमता रहता है, पर इससे मुझ में तनिक भी विक्षोभ नहीं होता है। मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती हैं, इससे मुझ में वृद्धि या कमी नहीं होती है। मुझ अनंत महासागर में विश्व केवल कल्पना मात्र है, मैं अत्यंत शांत और अपने निराकार रूप में स्थित हूँ। उस अनंत और निरंजन स्वरूप में न आत्मा का भाव है और न ही कोई अन्य भाव है। इस प्रकार मुझ में न तो आसक्ति है न विरक्ति, मैं परम शांत रूप में स्थित हूँ। आश्चर्य है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और यह जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहाँ और कैसे अच्छे और बुरे का विचार हो सकता है, अर्थात नहीं होता है। आठवां प्रकरण। जब चित्त इच्छा करता है, शोक करता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, किसी से प्रसन्न और किसी से क्रोधित होता है, तभी बंधन है। तभी मुक्ति है जब चित्त न इच्छा करता है, न शोक करता है, न त्याग करता है, न ग्रहण करता है, न प्रसन्न होता है, न क्रोधित होता है। जब चित्त किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त है तब बंधन है, जब चित्त किसी भी दृश्यमान वस्तु में आसक्त नहीं है तब मुक्ति है। जब तक मेरा का भाव है तभी तक बंधन है, जब मेरा का भाव नहीं होता तब मुक्ति है। यह जानकर न कुछ त्याग करो न कुछ पकड़ो। नौवां प्रकरण। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह द्वंद्व कब और किसका खत्म हुआ है, अर्थात किसी का नहीं, ऐसा विचार करके उदासीन हो जाओ और कुछ करने या न करने का आग्रह मत करो। इस संसार के लोगों को प्रयास करते हुए देखकर भी कोई विरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है जिसकी जीने की, भोगने की और जानने की इच्छा शांत हो गई है। यह जगत दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से दूषित और अनित्य है, इसमें कुछ सार नहीं है, यह निंदनीय और त्याज्य है, ऐसा निश्चय करके ज्ञानी शांत हो जाता है। ऐसा कौन सा समय अथवा अवस्था है जब मनुष्य सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता, इसलिए इनकी उपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से जो अपना काम चला ले, ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है। कौन विचारवान मनुष्य महर्षियों, साधुओं एवं योगियों के अनेकों मतों को देखकर उनसे उदासीन होकर शांत नहीं हो जाएगा। चैतन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके जो त्याग और समत्व की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वह क्या गुरु नहीं है, वह सच्चे अर्थों में गुरु है। जब तुम पंचभूतों के विकारों को वास्तव में पंचभूत मात्र ही देखोगे तब तुम तत्क्षण ही बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इच्छा ही संसार है,
ऐसा जानकर उसका त्याग कर दो। इच्छाओं के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाएगा और तुम्हारी यथारूप अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। दसवां प्रकरण। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, कामनाओं के भोग और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र विरक्त हो जाओ। मित्र, जमीन, कोषागार और अन्य संपत्तियों को स्वप्न की माया के समान 3 या 5 दिनों में नष्ट होने वाला समझो। जहाँ जहाँ आसक्ति है उसको ही संसार जानो। इस प्रकार परिपक्व वैराग्य के आश्रय में तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ। तृष्णा ही बंधन है, उसके नाश को ही मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्त होते ही आत्मरूप और आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तुम एकमात्र एवं शुद्ध चेतन हो तथा यह विश्व अचेतन और असत्य है। तुम में अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा करते हो? पूर्व जन्मों में बहुत बार राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों में तुम्हारी आसक्ति रही है, फिर भी वे नष्ट हो गए। पर्याप्त धन, भोग और पुण्य कर्म बहुत हो चुके हैं, अब बस करो। इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिली। न जाने कितने जन्मों से तुमने शरीर, मन और वाणी से परिश्रम और क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है, अब उनसे विरक्त हो जाओ।